नीचे बताना आपको परीक्षा थी, शुरू से बताओ क्या हुआ था, बात कितने में डीलिंग हुई थी, UPTCH परीक्षा थी। फिर और क्यों दे रहे थे दूसरी की जगह, कितने में डीलिंग हुई थी बता दो, कितना पैसा लिए थे परीक्षा पास कराने में, बोलो। अरे बोलो साहब, हमारा अभी 10,000 10,000 से 10,000 में जी। कौन था सुशील कुमार और कहाँ का रहने वाला? गाजीपुर का। गाजीपुर का था। और भी तुमको ये सीधे उसे संपर्क में आया कि कोई तुम लोग का पूरा गिरोह है, किसके जरिए तुम सुशील से संपर्क में आए? उसी के जरिए। किसके? वो लड़का था। कौन लड़का था? आया अभी। अभी आया साहब का टीम रियल के। कहाँ के रहने वाले हो तुम? बिहार के। तो कैसे संपर्क में आए गाजीपुर के लड़के? और कितने लड़के ऐसे हैं तुम्हारी जगह जो परीक्षा दे रहे हैं आज? हाँ नहीं जानते सर। कि कौन तुम्हें वो सुशील से पैसा दिलवाया? सुशील दिया पैसे। और तुम्हारे गोल में गैंग में कोई और भी है? जी नहीं। हाँ तुम खुद क्या करते हो इधर का? खुद क्या करते हो? कुछ नहीं करते। हाँ नहीं, पढ़ने में तेज हो गए तो ना परीक्षा तुम दूसरों की दे रहे हो। कहाँ तक पढ़े लिखे हो तुम? 10 तक। ITT की परीक्षा चल रही थी कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में नदेसर पर, तो वहाँ के कक्ष निरीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पर संदेह होने पर पकड़ा गया जो परीक्षा दे रहा था। उसका नाम पूछने पर अपना नाम बीटू कुमार पुत्र राजेश कुमार यादव निवासी बीलू थाना मुरलीगंज मधेपुरा बिहार बताया। यह सुशील कुमार निवासी गाजीपुर के स्थान पर परीक्षा देने आया था। अब सुशील कुमार को पकड़ने के बाद ये कैसे परीक्षा देने आया था, किसके कहने परीक्षा देने आया था, इसका जानकारी होगा। क्या कितने लोग अभी तक इस मामले में पकड़े गए हैं? अभी तो ये बीटू कुमार को ही गिरफ्तारी की गई है और सुशील कुमार की गिरफ्तारी करने की तैयारी चल रही है, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या इसके पीछे कोई गैंग गिरोह का भी हाथ है? अब सुशील कुमार के पूछताछ में ही बातें प्रकाश में आएंगी कि कोई गैंग है कि स्वयं से ही अपने से ही किए हैं लोग। सुशील का फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। किसको? सुशील को फिलहाल। हाँ सुशील को भी जानकारी की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। बीटू को पकड़ने के बाद सुशील से भी पूछताछ की जा रही है। विधिक कार्रवाई की जाएगी? FIR पंजीकृत होगा इसमें।